नमस्कार दोस्तों, डीके छिड़ों में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान, नए नए डिजाइन और उसी के साथ साथ में होम डिजाइन के बारे में हर तरह की जानकारी आपके लिए लाने की कोशिश करता हूँ। तो 25 फीट पर 25 फीट का एक छोटा सा प्लान है, आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, बहुत ही कम समय में आपको समझाऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर 25 फीट पर 25 फीट जो है प्लॉट का फ्रंट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड में जो है ग्राउंड फ्लोर लिखा है, इस साइड में हमारा मेन रोड है और बाकी तीनों साइड जो है अपने हिसाब से आप जगह छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से एंट्री होती है तो यहाँ पर छोटा सा पोर्च दिया गया है, मतलब गैलरी रहेगी, हमारी बालकनी रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप गेट के वरांडे पर पहुंचेंगे, यहाँ से एंट्री कर सकते हैं हमारे इस हॉल में। 9 फीट 10 इंच जो है इसका हाइट है और 13 फीट 2 इंच इसका विड्थ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 फीट 2 इंच पर लगभग 10 फीट का यहाँ पर हॉल है। इसमें जो है स्टेयर की दिए है, स्टेयर जो है यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं या तो इस साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो यू टर्न करके हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाएंगे। ये डुप्लेक्स हाउस प्लान इसे हम कर सकते हैं, यहाँ पर जो है हमारा डुप्लेक्स हॉल रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर एक किचन है 10 फीट बाय 8 फीट 10 इंच का, मतलब 10 फीट बाय 9 फीट का। यहाँ पर एक अटैच टॉयलेट बाथरूम है 8 फीट बाय 4 फीट का। और पीछे की साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है दोनों के दो जो रूम है दोनों के बीच में यहाँ पर स्पेस दिया गया है। यहाँ पर एक छोटा सा पूजा रूम हम एडजस्ट कर सकते हैं या तो फिर पीछे की साइड में जाने के लिए यहाँ पर एक डोर भी रख सकते हैं। यहाँ पर जो है हमने 10 फीट बाय 10 फीट का एक बेडरूम दिया है और इस साइड में भी 10 फीट बाय 10 फीट का एक बेडरूम दिया है। तो ये जो प्लान है, इस प्लान में आप देख सकते हैं दो बेडरूम बताया गया है, दोनों के बीच में यहाँ पर स्पेस दिया गया है पीछे साइड में जाने के लिए, या तो फिर हम यहाँ पर स्टोर रूम भी एडजस्ट कर सकते हैं या तो अगर आपको अटैच टॉयलेट बाथरूम एडजस्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से आप कर सकते हैं, इसमें नॉर्मल चेंजेस कर सकते हैं। और ऊपर का प्लान जो है, ऊपर के प्लान पर हम क्या करेंगे, मतलब ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है और ऊपर के मंजिल पर हमको क्या करना है, यहाँ पर जो एक बेडरूम है इस बेडरूम को बेडरूम बना के रखना है, यहाँ पर भी बेडरूम बना सकते हैं और यहाँ पर जो है किचन की जगह फिर से एक बेडरूम हम बना सकते हैं जो अटैच वाले बाथरूम में सेम रहेगा। और इस साइड में जो है अगर आपके हिसाब से आप इसे कर सकते हैं। ये प्लान में जो है आउटर वॉल 9 इंच के लिए है और इनर वॉल जो है 4 इंच के लिए है, लेकिन 25 फीट पर 25 फीट का पूरा कंस्ट्रक्शन का एरिया है, लेकिन आजू बाजू में जो है आपके हिसाब से आपको जगह छोड़ना पड़ेगी। तो ये छोटा सा प्लान है, आशा करता हूँ आज का ये छोटा सा प्लान आपको डिटेल में समझ में और पसंद भी आया है। अगर आपको ये प्लान पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो भी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो जो शेयर भी जरूर करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।